मतलब मेरे को लग रहा है आजकल दिन ही माड़े चल रहे हैं मेरे की जहाँ जाता हूँ पपलू कट जाता है। जस्ट लुक एट दिस व्यू, मतलब भाई साहब क्या प्यारा लग रहा है। When I'm up through the night, I can't turn down the noise. तो हेलो गाइस, 6 एएम इन द मॉर्निंग और आज हम जा रहे हैं एट लास्ट एक शॉर्ट राइड पे, कहाँ, हिमाचल प्रदेश। टाइटल तो देख लिया, ज्यादा सस्पेंस रखने का कोई फायदा नहीं। तो वैसे तो काफी दिन से मैं ट्राई कर रहा था कि जाऊं हिमाचल एंटर करूं, बट यू नो कोविड टेस्ट रिपोर्ट ये वो सब चाहिए था, बट एट लास्ट सारे रूल्स हटा दिए गए हैं। ऑनरेबल सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश ने कहा है कि जो पिछले रूल्स है ना भाई, कैंसल। अब आपको कोई कोविड टेस्ट रिपोर्ट, कोई ई पास, कोई होटल बुकिंग नहीं चाहिए। जाओ एक दिन रहो, 10 दिन रहो, मौज उड़ाओ, वापस आओ। तो हम आज मौज उड़ाने ही जा रहे हैं। तो जाना कहाँ है वो तो नहीं पता, ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, छोटी रेड लगानी है बस। एंटर करेंगे, थोड़ा आगे तक जाएंगे, नज़ारों के मजे लेंगे, आपको नज़ारों के मजे दिलाएंगे, अपना वीडियो शूट करेंगे और वापस। तो चलो जल्दी जल्दी निकलते हैं, क्योंकि सुबह सुबह उठे इसलिए से ताकि ठंडे ठंडे में जाएँ, ठंडे ठंडे में वापस आएँ, वरना अगर लेट हो गए ना वापस आते बहुत ट्रैफिक मिलने वाला है। बाय द वे वेलकम बैक टू दिस चैनल, और कैसे हो सारे, खैम हो? तो चलो फटाफट निकलते हैं बाइक की तरफ। तो गाइस सुबह सुबह निकलने का यही तो मज़ा होता है कि खाली सड़कें, अच्छा मौसम, मतलब रुक करके जाओ और रुक करके वापस आओ जहाँ भी जाना है। ऐसा मौसम मुझे मिले भाई, मैं तो नॉन स्टॉप मुंबई पहुँची हूँ, बट मुंबई जाना नहीं है, हम हिमाचल ही जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं भाई, देखो सच बोलूँ तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं कुछ डिसाइड करके निकला है, जस्ट थॉट कि जाऊँगा थोड़ा, मतलब एंटर करेंगे आगे कहीं तक जाएंगे, वादियाँ जहाँ से दिख जाए अच्छी खासी, बैठेंगे चाय वगैरह पियेंगे, वापस आ जाएंगे। तो ये आ गए हम ऑन मध्य मार्ग, मतलब यही रोड हमने पकड़ी थी हम नाडा साइड गए थे। अगर आप नाडा साइड का ब्लॉग नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में लिंक दे दूँगा, देख लेना इस वीडियो के बाद, पहले ये वीडियो पूरी देखो। तो बस नाडा साइड के लिए हमने पंचकूला एंटर किया था, हमें पंचकूला एंटर नहीं करना, हम सीधा सीधा निकल जाएंगे और सीधा सीधा निकल के हम लगेंगे शिमला हाईवे को। तो ये हम ऑलमोस्ट पंचकूला एंटर कर चुके हैं, और यार इस रोड पे आके ना मुझे अपने पुराने दिन बहुत ज़्यादा याद आते हैं, मतलब आई गोइंग टू फ्लैश बैक, स्कूल के टाइम में कभी कभार स्कूल जाते थे हम, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब बंक मारता था फ्रेंड्स वगैरह के साथ, यू नो प्लस वन प्लस टू में होता है, तो बंक वगैरह मार के इसी रोड से फ्रेंड्स के पास जाता था, साथ या फ्रेंड्स के साथ जाता था, एंजॉय करते थे, मतलब यार वो भी दिन थे। कहते हैं ना, कौन सी मर्जी आप लाइफ जी लो, चाहे कॉलेज, चाहे आप जॉब कर रहे हो, जितने मर्जी अच्छे फ्रेंड्स बन जाए, लेकिन जो स्कूल लाइफ होती है ना वो हमेशा याद रहती है। ये आ गया फर्स्ट टोल, जो कि हमने बिल्कुल भी नहीं भरना, एज वी आर 2-0 हम 5 से रुक करके निकल जाएंगे। और ये सामने आ गई वो वाली लाइट, जहाँ से हमें अगर हम राइट मुड़ते हैं तो जाएंगे हम मोरनी की तरफ, बट भाई साहब हमने राइट नहीं मुड़ना है, जाएंगे सीधा हिमाचल की ओर। और मुझे तो लग रहा है वहाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम होने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ बादल जो है डार्क होते जा रहे हैं, स्काई इज़ गेटिंग डार्कर एंड डार्कर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, भगवान भी चाहता है कि हम मस्त मौसम में जाएँ। भाई साहब इसी ग्रीनरी को, इसी व्यू को देखने को तो हम तरस रहे थे, इसी सड़कों पे चलाने को तो हम तरस रहे थे। आज आखिरकार इन वादियों में, इन पहाड़ों पे हम फिर आ गए हैं, लेकिन इस बार अकेले नहीं, मेरे साथ आप सब हैं ना। मतलब यार लुक एट दिस, मुझे तो लग रहा है कि मैंने वापस जाते कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं लाया हूँ एक बैटरी, और एक बैटरी तो आपको नज़ारा दिखाते ख़त्म हो जाएगी। और सबसे पहले तो लुक एट दिस, मतलब एंटर होते ही क्या बात है, दिस इज कॉल्ड ब्यूटी बेबी, दिस इज कॉल्ड ब्यूटी। और नहीं हो तो कुछ भी नहीं आके सामने, और अभी तो शुरुआत हुई है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे और मज़े मज़े ही मज़े, आज तो मज़े लुटो, मैं भी आपकी। सुबह सुबह तो वो देखो वहाँ सन निकल रहा है, और सूरज की रोशनी कितनी प्यारी बादलों से होके आ रही है, बादल छा रखे हैं डार्क, पूरी ऊपर धुंध हो रखी है, मतलब यार जो वहाँ रह रहे होंगे उनको तो पूरे आ रहे होंगे मज़े, गर्मियों में सर्दी हो गए मज़े, वाह यार वाह, आज तो स्वाद ही स्वाद आएगा आपको भी मुझे भी। तो अगर स्वाद आ रहा है यहाँ तक, देखेगा स्वाद आ रहा है भाई तुम्हारा, इतने दूर आपके लिए आया, अपने लिए भी आया हूँ ऑब्वियसली, दूर की बोलना, बट आपके लिए भी आया है। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बता दो कितना मज़ा आ रहा है भाई, ज़रूरी है भाई तुम्हारा, तुम्हारे लिए इतने अच्छे अच्छे नज़ारे लेके आ रहा है। और सब्सक्राइब भी नहीं करोगे, करोगे राइट, करो अभी, अब जो जिसने किया हुआ ना कमेंट करो भाई, लाइक करो। Someone told me before you leave,
is only one thing you remember from me. ये आता है सेकंड टोल हिमाचल एंटर करने के बाद, इसको ऑब्वियसली बाइक वालों को नहीं देना पड़ेगा। ये ट्रक डेंजर लग रहा है भाई, ऐसे ट्रक अगर आपको दिखे ना स्पेशली एरिया में थोड़ा दूर चला गया, क्योंकि पता नहीं होता लोग जो होते हैं कब सामान गिर जाए कब ट्रक के पीछे वापस आ जाए। जस्ट लुक एट दिस व्यू, मतलब भाई साहब क्या प्यारा लग रहा है। मतलब यार अगर सुबह सुबह राइड करके ऐसी जगह पे आओ तो दिन क्या जिंदगी तृप्त हो जाती है। मतलब आज तो इतना ज़्यादा सुपर रास्ता था, एकदम मक्खन सड़क के बीच में छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, मतलब 100-200 मीटर का भी नहीं होगा, उतना पैच आया था ख़राब। उससे क्या होता है अगर ऐसे नज़ारा। आज तो मौसम मतलब भाई इतना ज़्यादा अच्छा मौसम है, मेरे पीछे देखो मतलब इट्स सो ब्यूटीफुल। और यहाँ बैठ के इस मौसम का मज़ा लेने का आनंद ही अलग है। आप हवा का मज़ा तो नहीं ले सकते, लेकिन सेंडिस का मज़ा तो ले सकते हो ना। वही आपका भाई आपको करवाने आया है तो सेफ्ट के लिए एक लाइक तो बनता है, तो लाइक नहीं किया तो अब भी कर, अभी लाइक कर देना। अब भाई यहाँ के बाल ख़राब हो, शक्ल ख़राब हो, डजन मैटर्स, क्योंकि क्या हो आने के लिए कुछ भी। तो अब यहाँ बैठ के मैं लेता हूँ नज़ारों के मज़े, मौसम के मज़े, तब तक आप लोग इस टाइम लैप्स के मज़े। What if I go stronger? What if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? हिमाचल में आओ और आपको बंदर ना दिखे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक भाई साहब हमारे यहाँ बैठे हैं, वहाँ तो भाई पूरी फैमिली अलर्ट की हुई है सारी। तो भाई साहब अब हो गया टाइम निकलने का, मतलब वो जो 4-5 सेकंड का हमने टाइम लैप्स देखा है ना, उसे ही दिखाने में मैं यहाँ 1.5 घंटा बैठा हूँ, और 1.5 घंटे में भाई मज़े आ गए। तो आखिरी बार इस सारे नज़ारे को देख लो, अब बस वापस जाते हुए अपने को एक कड़क चाय मिल जाए ना रास्ते में, मज़ा आ जाएगा। मतलब यार पहाड़ों में आए और चाय नहीं पी तो क्या मज़ा। और मैंने सड़क पार खड़ाई थी बाइक, स्पेशली सड़क पार करके गया था बाइक को रिस्क पर छोड़ के फॉर यू। तो अब रिटर्न मारते हैं, वापस में अगर अच्छी चाय मिले तो चाय पी लेंगे, वरना सीधा घर जाएंगे और क्या। राइट, तो भाई लोग प्लान में है थोड़ा सा चेंज, अभी हम नहीं जा रहे वापस। यहाँ से थोड़ी दूर, मतलब अराउंड 7-8 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है जाबली, सुपर प्लेस है। वहाँ पे एक फूड कोर्ट बना हुआ है टाइप ऑफ, मतलब जो ऑन हाईवे फूड कोर्ट होते हैं, मैकडी डोमिनोज मतलब सब कुछ मिलेगा वहाँ पे। और प्लस वहाँ जो सीटिंग अरेंजमेंट कर रखे हैं उन्होंने, वो है एक रिवर क्रॉसिंग के साथ, मतलब रिवर क्रॉसिंग में वाटर क्रॉसिंग कह सकते हो, एक छोटा सा झरना है, और उसके साथ बैठ के जब पानी की आवाज़ आ रही होती है, शांति एकदम, खाने पीने का कुछ भी खा रहा, बहुत मज़ा आता है। और ये आते हुए जावली मतलब कसौली की तरफ जाते हैं, या सोलन यार भाई 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 सोलन की तरफ जाते हैं आपको। अब भाई साहब यहाँ से मेरे पास घंटा करने का रास्ता बहुत अलग कर दिया है आप, पहले बहुत अच्छी सड़क अंदर तो जाया करते थे, अब तो बिल्कुल कच्ची हो गई है। तो यहाँ पे काफ़ी होटल्स वगैरह भी हैं 3-4, अंदर मैकडी डोमिनोज और काफ़ी खाने पीने की जगहें मिल जाएंगी। तो अगर आपको सेफ अच्छा हाइजीनिक खाना खाना है तो आप यहाँ आ सकते हैं। ये होटल्स, यहाँ मैकडी, अंदर बहुत कुछ मिलेगा भाई 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 भाई, 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 भाई सड़कें तो बहुत बुरा हाल हो गया है। आ गई, तो ये आ गए हम जावली। मतलब यहाँ पे पीछे होटल्स वगैरह काफ़ी हैं, मैकडी खाने का फूड कोर्ट काफ़ी मिल जाएगा। तो आज रास्ते में आते जाते अगर आप ढाबे पे रुकने वाले नहीं हैं, आप मतलब हाइजीन काफ़ी प्रेफर करते हैं, तो आप यहाँ आ सकते हैं। मतलब सारे बड़े खाने के आउटलेट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, यू कैन एन्जॉय अ मील। और अब हम मैकडी चलते हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ एक कॉफ़ी या चाय ग्रैब करनी है, तो मैकडी से अच्छी कॉफ़ी मिल जाती है। अब ट्राई करूँगा कोल्ड कॉफ़ी मिल जाए तो। वैसे तो अभी ये पीछे शायद खोल रहे हैं, खुला है नहीं खुला पता नहीं। और मास्क पहनना ज़रूरी है मैकडी में जाते हो या किसी भी पब्लिक प्लेस में जाते हो। मैंने वहाँ मास्क पीछे इसलिए उतारा था क्योंकि वहाँ मैं अकेला था, तो अब यहाँ जा रहे हैं अंदर तो मास्क पहनना पड़ेगा। लेट्स गो। भाई साहब अपना तो पपलू कट गया, मतलब मेरे को लग रहा है आजकल दिन ही माड़े चल रहे हैं मेरे, कि जहाँ जाता हूँ पपलू कट जाता है। हमारे चंडीगढ़ में मैकडी 7 बजे खुल जाता है, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि हम 9 बजे से पहले खोलते नहीं, अभी तो साफ सफाई चल रही है। सर अभी नहीं, थोड़ा रुक के आए। तो अब बस यहाँ अंदर फूड कोर्ट है, इधर जा रहा हूँ, यहाँ देखते हैं यहाँ पपलू ना कटे। भाई यहाँ एक चाय दे दो प्लीज़, चाय पी के हम चुपचाप निकल लेंगे। मतलब मुझे लग रहा है आज अपना पप्पू कटवाने का ही दिन है। तो ये जो पीछे रेस्टोरेंट है ये भी बंद है, भाई कह रहे हैं कि सर 9 बजे खुलता है, उससे पहले नहीं खोलेंगे हम। पहले क्या होता था जब मैं आता था अराउंड 7 o'clock खुल जाता था, तो हो सकता है शायद लॉकडाउन की वजह से सारा बंद हो। चलो जो भी, अब रास्ते में भाई किसी ढाबे पर रुक कर ही चाय पीनी पड़ेगी। आज हमारे नसीब में मैकडी या किसी
बड़े रेस्टोरेंट की कॉफ़ी या चाय नहीं है, तो कोई बात नहीं, छोटे वेंडर से जाके ढाबे से हम चाय पियेंगे। वैसे ढाबे की चाय का मज़ा ही अलग होता है। आजकल तो भाई पॉपुलर ही चल रहे हैं अपने, पोपट कट जाता है हर जगह जाके यार, डीकैथलॉन में कट गया, यहाँ भी कट गया। वैसे तो यार 7 बजे खोल देते हैं, बट उनका कहना कि सर लॉकडाउन के चलते हम सुबह नहीं खोल रहे, जल्दी 9 बजे खोलते हैं। सर कोई बात नहीं, चलते हैं वापस को घर की ओर, रास्ते में किसी ढाबे में जहाँ मतलब मस्त सीनी की व्यू आ रहा हो ना एकदम कैट, उधर रुकेंगे। 2000 years later. तो वापस आते आते हम अपने उसी स्पॉट पर रुक गए जहाँ पहले रुके थे, जहाँ हमारे सिर्फ मेरे नहीं वंशज भी बैठे हैं, मतलब बंदर वगैरह बैठे हैं। तो यहाँ एक चाय की टपरी है, खुल भी गई है, लग भी ठीक ठाक रही है। ये है अपनी वो चाय की टपरी, देखते हैं अगर चाय मिलती है तो, चाय मिल जाए तो बढ़िया, वरना भाई आप नहीं रुकूंगा, अब सीधा घर जाऊंगा। चाय मिल जाएगी भाई? नहीं बना दो, एक बना दो। तो चाय अपनी रेडी है, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी चाय बनाई है भाई ने। हाँ हाँ हाँ, पहाड़ों में आया, इतना अच्छा मौसम और चाय नहीं पी तो क्या फ़ायदा, राइट? वैसे तो मैगी भी खानी चाहिए, लेकिन अपन हैं यार 9:30 बजे खाने वाले, अभी बज रहे हैं 7:30, अगर अभी कुछ खा लिया ना घर जाने में शायद दिक्कत हो सकती है। बाय द वे, पीछे एक शॉप है जहाँ के मैंने आपको सिनेमैटिक्स दिखाया कुछ सामान के, तो ये भाई अपना हैंडमेड मतलब गद्दे, हैंडमेड पिलोज, हैंडमेड कुशंस और चटाइयाँ, बेडशीट्स वगैरह बेचते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे बनाए हैं। तो अगर आप हिमाचल साइड जाते हो तो आपको ऐसी हैंडमेड चीज़ें बहुत मिल जाएगी, मतलब जैसे ये सब कुछ दिखाया मैंने आपको, इसके अलावा बैम्बू की कुर्सियाँ, टेबल्स वगैरह मिल जाते हैं। तो मैं तो चलो अभी नहीं ले सकता बिकॉज मैं बैग वगैरह नहीं लाया, मुझे उसके कुशंस अच्छे लगे थे, मतलब दे वर रियली रियली गुड, बट ले नहीं सकते क्योंकि मैं लेके कैसे जाऊँगा। तो अगर आप आ रहे हो यू कैन ट्राई इट, मतलब बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, हैंडमेड होती हैं, एंड वैसे भी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बी वोकल फॉर लोकल, लोकल को सपोर्ट करो, करो ना यार। तो चलो मैं अपनी चाय ख़त्म करता हूँ, उसके बाद सीधा घर को निकलते हैं, अब कहीं नहीं रुकना। तो बॉस चाय वगैरह ख़त्म, एक लास्ट बार इस नज़ारे को देख लो अभी के लिए, अच्छे से देख लो, क्योंकि अब एटलीस्ट आज के लिए तो नज़ारा नहीं दिखने वाला। अब सीधा जाएंगे अपनी वही पुरानी लाइफ, गर्मी, सड़कें, ट्रैफिक, यहाँ के नज़ारे एटलीस्ट वो कुछ दिन तो मिस करेंगे, लेकिन ज़्यादा दिन वेट नहीं करनी पड़ेगी आपको भी मेरे को भी, क्योंकि हमने बहुत सारी राइड्स प्लान की है जो आने वाले दिनों में आने वाली है। तो चलो जल्दी से निकलते हैं एंड पहुँचते हैं खार। पहाड़ ये मौसम मिस तो करेंगे, बट कोई बात नहीं, ज़्यादा दिन में आएंगे हम, अब तो आते रहेंगे आपके लिए वीडियोज जो बनाने और अच्छे अच्छे, राइट? चलो कोई बात नहीं, अब शूट पे निकलते हैं खर को। चलो बाय बाय हिमाचल प्रदेश, वेलकम टू चंडीगढ़ एंड बैक होम। मतलब जितनी मर्जी अच्छी जगह जाए और जहाँ मर्जी चले जो, होम स्वीट होम ही होता है, किसी ने सही कहा कि घर जैसी कोई जगह नहीं। मतलब यार इतना ज़्यादा मज़ा आया ना आज, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग ट्रिप थी, छोटी थी बट रिलैक्सिंग थी और बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो वापस आते ज़्यादा रश नहीं मिला, ठीक ही था मतलब, बट स्टिल थोड़ा रश था, तो आते हुए हल्की सी बैंड तो बजी। चलो कोई बात नहीं, आई होप आपको भी मज़ा आया होगा वीडियो देखने में। वीडियो में अगर कुछ भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, नया सब्सक्राइब करो, पुराने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब का बटन दबा दो। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @gurpreet.sany7। तो चलो लव यू, चेक के बाय, मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए छगा फिर अगली।